सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम शाही तिल्ला, जो हमारा एक मुख्य तेल है, उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें जो है, मैंने अश्वगंधा 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, कूट 20 ग्राम, जटामासी 20 ग्राम, बड़ी कटेली का फल 20 ग्राम, जोंक 20 ग्राम और गंडोए 20 ग्राम, केसर 2 ग्राम। और फिर इसको मैंने जो है वो 1 किलो भेड़ के दूध में भिगो के रख दिया था। और उसके बाद जो है इसमें 500 ग्राम जायफल का तेल और 500 ग्राम तिल का तेल, तो ये दोनों तेल डाल के, तो उपरोक्त जो सामान है, पहले उसका काढ़ा बनाया मैंने, उसका काढ़ा बना के फिर इसमें थोड़ा पानी डाला। लगभग 1 लीटर पानी खप गया होगा। तो उसका काढ़ा बना के वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दी, क्योंकि उसका जो अर्क था वो उसमें काढ़े में आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने इसको दोनों तेल, जायफल तेल और ये तिल का तेल, ये दोनों मिक्स कर दिए। और फिर उस काढ़े को, जो काढ़ा बना था ऊपर सतावरा सुगंधा कूट वगैरह का, जो कंडोए का, भेड़ के दूध का और थोड़ा पानी डाल के, वो काढ़ा और ये तेल, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है, जो इस बार डाल रहा हूँ, पहले नहीं डालता था, इसमें मैंने संखिया डाला है बारीक करके 10 ग्राम, भीमसेनी कपूर 10 ग्राम और हींग 10 ग्राम, और फिर अंत में इसमें चमेली का तेल और केसर भी डालना है अभी। तो मेरा वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप जब भी इसको बनाएं तो इतनी मंद मंद आग रखें, ये भी थोड़ी ज़्यादा है आग, तो इतनी मंद मंद आग रखें ताकि आपका जो है वो काढ़ा धीरे धीरे जल के जलता रहे, और फिर शेष जो तेल है वो तेल बच जाएगा। इसमें लगभग 1 लीटर तेल बनेगा। तो ये तेल जो है कमज़ोर नसों के लिए, इसकी पोस्ट जो है मेरे फेसबुक पेज से भी आपको मिल जाएगी, और शीघ्र नामर्दी वगैरह के लिए। और कुछ भाइयों ने तो इसके रिजल्ट मैंने शेयर भी किए थे, इससे जो है 28 साल से कम उम्र के हैं, लंबाई व मोटाई बढ़ाने में भी लाभ लिया है। तो ये तेल आप घर पर बना सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है वो मैंने फेसबुक पे भी बताया हुआ है, और ये यूट्यूब पे भी आज मैंने वीडियो डाल दी है। तो कई भाई क्या करते हैं कि जब भेड़ का दूध उसमें डालते हैं, दूसरे अश्वगंधा वगैरह में, स्थावर वगैरह में, तो वो सारा जकड़ा सा बन जाता है। तो उसमें अगर वो जकड़ा सा बन जाए तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं आप, क्योंकि जब वो काढ़ा बनेगा तो सारा उसका अर्क भेड़ के दूध का, अश्वगंधा, स्थावर, कूट वगैरह का, तो उसी में आ जाएगा। तो फिर उसको काढ़ा बना लें, 5-6 घंटे में वो काढ़ा बने। उसके बाद फिर आप ये दोनों तेल डालें, जायफल का और तिल का तेल। फिर इस बार मैंने दो तीन चीज़ें बढ़ा दी हैं इसमें, संखिया, हींग, भीमसेनी कपूर और केसर, और अभी चमेली का तेल जो है वो लास्ट में डालेंगे। तो ये तेल बहुत, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि पहले से काफ़ी चीज़ें इस बार मैंने बढ़ा के डाली हैं। हींग का जो है किसी भी चीज़ की वृद्धि करने में, नसों की कमज़ोरी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और संखिया है जो मल्ल जिसे बोलते हैं, संबुलफार, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो भीमसेनी कपूर, ये तीन चीज़ें मैंने इस बार बढ़ाई हैं, और केसर, और अंत में चमेली का तेल तो पहले भी डालते आए हैं, क्योंकि उससे स्मेल वगैरह चली जाती है। तो वो चमेली का तेल तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद डालेंगे, उसकी तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो तो सिर्फ इसकी जो है इसको खुशबूदार बनाने के लिए, ना भी डालेंगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ये तेल बहुत
ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है। दो तीन रोगियों को ने मेरे को रिव्यू दिया है इसका कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप इसको बनाएं और इसका लाभ लें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बस ये आग जो है, मेन चीज़ ये है कि आग इतनी ही जलनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर पूरी आग जलेगी तो इसकी सारी पावर जो है वो चली जाएगी बाहर, तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल आग, जिससे कि बस पानी या काढ़ा जो है वो बाफ बन के ऊपर उड़ता रहे और इसका जो तेल का जो निचोड़ है, जो पावर है सारी दवाइयों की, वो तेल में आ जाए, जायफल का तेल और तिल का तेल, और अंत में फिर इसको छान कर शीशियों में भरकर रख लें। ये आपका तेल है जो लगाने के लिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको बनाएं और इसको प्रयोग करें, दो तीन बूंद हल्के हाथ से 10-15 मिनट मालिश करनी है और गुप्तांग को ठंडे पानी से बचा कर रखना है। बस यही इसका नियम है। इसकी पोस्ट अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज आयुर्वेद रोग और निदान, रोग ते निदान और आयुर्वेदम जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं अब नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वैद्य मित्र टिक्का टिप्पणियाँ करने लग जाते हैं कि ये है जी वो है जी, आप अपना प्रचार मशहूरी करते हो, तो मैं अपने पेजों पे ही डालता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं नहीं डालता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत हो वो भाई मंगवा सकता है, अगर आप खुद बना लोगे, मेरी कोई सेवा की आपको ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ उतनी काम की ही करें। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, ये घटक सारे इकट्ठे कर लें, लेकिन तेल अगर आप बनाएं तो कम से कम आपका तेल पाया तो होना चाहिए, उस हिसाब से आप उपरोक्त घटक को कम कर लो, मात्रा उनकी पाया तेल तो कम से कम आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपका कड़ाही से ही लग जाएगा, उसका फ़ायदा क्या है। तो ज़्यादा बनाएंगे तो काफ़ी मित्रों के काम आ जाएगा, कई मित्र मिल के बना सकते हैं, तो इसको बनाएं और इसका लाभ लें। इसका रिजल्ट जो है मैंने फेसबुक पे शेयर किया था कल परसों किसी भाई ने, तो मैंने आपसे स्क्रीनशॉट उसका शेयर भी किया था। आप वो बोला कि मेरा लंबाई जो है 1 इंच बढ़ गई, लेकिन मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया, मैं सिर्फ इसको नसों की कमज़ोरी के लिए ही देता हूँ। तो फिर भी जो अच्छी चीज़ होती है वो शेयर करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने की। तो अत ऐसा ये तेल है जो शाही तिल्ला के नाम से हमारा आता है, आप इसको अपनाएं और इसका लाभ लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाइयों तक पहुंच सके और इसका लाभ लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।